स्वागत है फ्रेंड्स आप सबका एक और वीडियो में। फ्रेंड्स हमारे पास ये सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस मॉडल है। फ्रेंड्स इसमें FRP लक लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बताएंगे कि इसका FRP बाईपास आप कैसे कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको दिखा दें, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर FRP लक है, हमको आ जाना है यहाँ पर बैंक। बैंक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमको सबसे पहले फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए वाईफाई से कनेक्ट है, इस एड नेटवर्क पर क्लिक करके कुछ भी टाइप करना है। थोड़ा देर प्रेस करेंगे, असिस्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा गूगल ओपन हो जाएगा। नो थैंक्स पर क्लिक करना है, यहाँ पे हमको सर्च करना है गूगल अकाउंट मैनेजर 6 पॉइंट। यहाँ पे पहले सेटिंग सर्च करेंगे पहले, सॉरी। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि वर्जन कौन सा है, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, आपको दिखा देते हैं पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ से नहीं आएगा, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन है 6.0.1। तो फ्रेंड्स हमको आ जाना है बैंक। अब फ्रेंड्स हमको सर्च करना है, सॉरी वहाँ पे आके फिर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, असिस्ट पे क्लिक करेंगे, फिर हमारा क्रोम ओपन हो जाएगा। नहीं हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स ओपन हो जाएगा। हमको यहाँ पर सर्च करना है गूगल अकाउंट मैनेजर 6.0.1। सर्च करके दिखाते हैं आपको गूगल अकाउंट मैनेजर, केवल मैनेजर सर्च करते हैं, वो आ जाएगा। सर्च कर देंगे, उस नेट का प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा, रिट्राई करते हैं, फिर से कनेक्ट हो गया। फिर देखिए यहाँ पे हमारा बहुत सारा है, नीचे करके देख लेना है कहाँ पे हमारा 6.0.1। तो फ्रेंड्स सॉरी लिखना ही पड़ेगा, देखिए लिख दिए हैं, अब आ जाएगा। फिर देखिए सबसे ऊपर में ये आ रहा है। फ्रेंड देखिए क्लिक करने के बाद लिख रहा है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन डिक्लाइन, ऐसा करके लिख रहा है फ्रेंड। तो हमको यहाँ से कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा, वही लिखेगा। तो हमको यहाँ पे सर्च करना है इंटरनेट, इंटरनेट सर्च करेंगे तो हमारा इंटरनेट ओपन हो जाएगा। देखिए हमारा इंटरनेट ओपन हो गया, इंटरनेट पर क्लिक करेंगे, इसको हमको स्टार्ट पर क्लिक करना है, कैंसिल कर देना है। अब हमको यहाँ पर सर्च करना है गूगल अकाउंट मैनेजर 6.0.1। सर्च करके दिखाते हैं आपको गूगल अकाउंट मैनेजर, सर्च कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम सर्च कर लिए हैं, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। फ्रेंड देखिए हमारा यहाँ पे आ गया है, कहाँ आ गया, देखिए फ्रेंड यहाँ पे है सबसे नीचे में, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फ्रॉम सिक्योर सर्वर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा डाउनलोड होगा। तो फ्रेंड देखिए स्टार्ट डाउनलोडिंग लिख रहा है। बुक मार्क्स पर क्लिक करेंगे, न्यू टैब पर नहीं, इस पर क्लिक करेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, डाउनलोड हिस्ट्री में जाएंगे। देखिए फ्रेंड हमारा यहाँ पे ऐप डाउनलोड हो गया, इसको हमको इंस्टॉल करना है। सेटिंग पर क्लिक करके कनाउ सक्सेस पर क्लिक कर देना है, हमें इनको इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। फ्रेंड्स इसको डाउन कर लेना है, उसके बाद हमको आना है बैंक। हमको यहाँ पे एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है FRP Bypass 1। फ्रेंड देखिए सर्च करके देखते हैं आ रहा है या नहीं FRP Bypass 1। फ्रेंड्स यहाँ से नहीं आ रहा है, डाउनलोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा लग रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आ गया है, यहाँ से कर के देखते हैं कहाँ है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये नहीं है फ्रेंड्स, इसमें इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बार बार वही आ रहा है। फ्रेंड्स हमको इसको यहाँ से बैंक आ जाना है, यहाँ पे हमको ऊपर में सर्च करना है। नहीं फ्रेंड्स डाउनलोड हो गया, यहीं से हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे FRP Bypass ऐप के डाउनलोड करेंगे, देखिए डाउनलोड में भी लग गया है। और यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर सर्च करेंगे VNROM सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा सब भी एप्लीकेशन आ जाएगा, यहाँ से हमको ओपन कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है FRP Bypass ऐप के, वहाँ पर है, क्लिक कर दें। डाउनलोड लिख रहा है,
बुकमार्क्स पर क्लिक करेंगे, हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड में जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा ऐप डाउनलोड हो गया है, इस पर क्लिक करके इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। कनाउ सक्सेस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। फ्रेंड्स हमारा ऐप डाउनलोड हो गया, आप ओपन करेंगे, ऊपर थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ब्राउजर साइन इन पर क्लिक करेंगे, ऊपर थ्री डॉट पर ओके करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमको यहाँ पे कोई भी एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी ईमेल आईडी डाल लेंगे, नया बना लेंगे, नीचे से क्रिएट कर लेंगे या पुराना अपना डाल लेंगे। चलिए हम साइड में करके ईमेल आईडी डाल लेते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको पासवर्ड भी डालना होगा, दिखाते हैं हम आपको। तो फ्रेंड्स अब हम अपना पासवर्ड भी डाल लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड मांगेगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड भी डाल लेते हैं हम। पासवर्ड जब तक डाल रहे हैं फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज। पासवर्ड डालने के बाद फ्रेंड्स पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, साइन इन हो रहा है फ्रेंड्स, साइन इन हो रहा है फ्रेंड्स। आज आ गया भाई, हमको फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है, थोड़ा देर टाइम लगेगा, रीस्टार्ट हो रहा है फ़ोन फ्रेंड्स, फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, तब तक प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स ओपन हो गया, देखिए सैमसंग का मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस। तो फ्रेंड्स ओपन होने में टाइम लगेगा 2 मिनट, चलिए ओपन हो जाता है, फिर हम आपको दिखाते हैं कि आगे प्रोसेस क्या करना होगा, हमारा लॉक हटा है या नहीं ये भी दिखा देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा फ़ोन ओपन हो गया है, इसको एग्जिट कर देंगे, टॉक बैक ऑन किया था इसलिए आ रहे हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे, नेट से कनेक्ट कर देंगे फ़ोन को, सॉरी नेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, डिसकनेक्ट हो जा रहा है बार बार, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री पर इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एग्री पर क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, अच्छा खुल रहा है अभी, थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, नेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अकाउंट एडिट हो गया है, मतलब हम जो अकाउंट डाले थे वो ऐड हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, उस नेक्स्ट करेंगे, उसके आगे हटाएंगे। वो पावर के आपको बटन नहीं दबाना है, कुछ कुछ भी नहीं दबाना है, टॉक बैक हम बंद कर रहे थे, ये हो रहा है, कोई बात नहीं, डबल क्लिक करके हम दिखा देते हैं आपको। तो फ्रेंड देखिए डेट एंड टाइम मांग रहा है, इसको नेक्स्ट करेंगे, नॉट नो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्किप कर देना है, इसको हटा देना है, उसके बाद स्किप करना है। दस सेकेंड बता रहा है, यहाँ पे स्किप कर देंगे नीचे क्लिक करके, यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री करेंगे, यस या नोट नो कुछ भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा फ़ोन का FRP एकदम हट गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप आसानी से सैमसंग गैलेक्सी प्राइम प्लस का FRP बाईपास कर सकते हैं। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब